Yeah, actually, so. अच्छा, ये जो तस्वीर इस वक्त आ रही है ये चंडीगढ़ से बस अच्छा दिल्ली इस वक्त पहुंच गई है और कंगना रनौत पहुंची है। उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की गई लेकिन फिलहाल वो निकल गई हैं क्योंकि कंगना को थप्पड़ मारने की खबर आई थी, वो हमने आपको दिखाया था। ठीक है परिमल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 MOS, क्या शर्त है ये? राष्ट्र के विकास के लिए, राज्य के हित को ध्यान रखिए, हम लोगों ने अनकंडीशनली का समर्थन किया है और हम करते रहे हैं लंबे समय तक। हम दिस इज द लिबरल बायस, और मैं आपको बतला दूं कि एक्चुअली क्यों नकारा गया कांग्रेस को या इलीगल गठबंधन को। इन्होंने कहा कि भाई 405 की दिशा ला रहे हैं, निष्कार दे रहे हैं कि उनकी मनसा संविधान बदलने की है। तो हमने आप उदाहरण दिया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुए थे तो 40 Articles में संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, 14 नए आर्टिकल जोड़े, 2 पार्ट को जोड़े गए और एक शेड्यूल जोड़े गए, इसके अलावा प्रीएम्बल में संशोधन किया है। और यहाँ तक कि देखिए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल भी महत्वपूर्ण फैक्टर, राइट? तो इंदिरा गांधी सरकार ने जुडिशियल तो ये जो खबर आई थी, एक बार मैं आपको बीच में रोकता हूं परिमल जी, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। जो CISF की महिला जवान थी, जो खबर हमने आपको बताई थी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की, महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि यहां पर विपिन परमार बता रहे थे कि उसने थप्पड़ मारा कुछ बयानों को लेकर के, वो नाराज थी किसान आंदोलन से जुड़े या फिर खालिस्तान को लेकर के जो बयान थे उससे जुड़े बयानों को लेकर के वो नाराज थी, उसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। अब जाहिर सी बात है वो सिक्योरिटी में तैनात थी, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। मतलब CISF का कि महिला जवान, जो जाहिर सी बात है आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी चेकिंग के लिए है, और उस वो हाथ उठा दे, थप्पड़ मार दे, ऐसा नहीं कि कोई बिहेवियरल इशू आया हो या फिर बदतमीजी हुई हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि दिल्ली की फ्लाइट बाउंड करनी थी और जीती हैं, यहाँ पर मंडी से सांसद बनी है कंगना रनौत, तो उसके बाद कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई है। लीगल एक्शन अभी देखना होगा कि क्या लिया जाता है, लेकिन फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें थप्पड़ मारा गया है। CISF की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप है, आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। हमने आपको उस महिला जवान की तस्वीर भी दिखाई थी, बकायदा वो महिला जवान नजर आ रही थी, गुस्से में नजर आ रही थी। अब अगर वो थप्पड़ मार सकती है तो जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पर जो सशक्त ये बल होते हैं सिक्योरिटी फोर्स, बकायदा इनके पास हथियार भी होता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कितना कितना गंभीर, अगर वो किसी बात को लेकर के नाराज थी तो गुस्से में रही होगी, तो अगर हाथ उठा दे एक ऐसे व्यक्ति पर जो VVIP की श्रेणी में आता है, सांसद भी बना है और कंगना के पास वाई श्रेणी की सुरक्षा भी है, तो फिलहाल ले लिया गया है हिरासत में इस महिला जवान को। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान, आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है, कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप है। कहा जा रहा है कि खालिस्तान या फिर किसानों के किसी मुद्दे को लेकर के वो नाराज थी, और जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थी कंगना तो